बड़ी खबर आ रही है हमारे पास राजस्थान से, जहां पर आपको बता रहे हैं कि हाईकोर्ट से पायलट गुट को राहत मिल गई है। दरअसल स्पीकर ने जो नोटिस दिया था सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को, जिनमें उनको अयोग्य ठहराने की बात थी, उसे लेकर हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया है। स्टे का मतलब ये हुआ कि अभी सदस्यता को लेकर इस पर कोई फैसला नहीं, यानी कि सदस्यता रद्द नहीं होगी। जो बात स्पीकर के नोटिस में कही गई थी कि इन 19 विधायकों को अयोग्य मान रहे थे स्पीकर, और इसी बात को लेकर नोटिस आगे बढ़ाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस नोटिस पर स्टे लगा दिया है। अब ये देखिए, एक तरह से पायलट गुट के लिए राहत, क्योंकि सदस्यता पर अब कोई खतरा नहीं है अगले ऑर्डर तक, अगले आदेश तक। और इस बीच एक और जो पॉजिटिव संकेत पायलट गुट के लिए है, उसके तहत उनके खेमे के विधायक की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिसमें केंद्र को भी पक्ष बनाने की बात की गई है। पूरा का पूरा ये मामला विधानसभा की सदस्यता को लेकर बीते एक हफ्ते से खींचा चला आ रहा था, लेकिन अब पायलट गुट की याचिका को कोर्ट ने सही माना है। हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। शरद, बड़ी राहत है ये पायलट खेमे के लिए अब, लेकिन देखना ये होगा कि अब आगे यहां से क्या होता है, क्योंकि फौरी राहत ही है अभी, इसको भी फाइनल डिसीजन तो नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल फाइनल डिसीजन नहीं है, ये स्टे है, और ये कहा है कि जो नोटिस दिया था उसको स्टे किया है, लेकिन आगे की सुनवाई जारी रहेगी। जो विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस दिया था उस पे कोर्ट ने स्टे किया है, उनकी जो याचिका थी उनको मेंटेनेबल कहा है, उनको सही माना है, उस पर सुनवाई लायक माना है, खारिज नहीं किया है। ये एक बड़ी राहत है सचिन पायलट के लिए, लेकिन उस पर सुनवाई जारी रहेगी, कोर्ट ने अभी अंतिम फैसला नहीं दिया है। कोशिश करेंगे हम, कोई वकील आता है तो उसे बातचीत कराने का। फिलहाल देखते देखिए किस तरह से यहाँ पर गहमागहमी मची हुई है, सब इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का वकील बाहर आए, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से फैसला आया है कोर्ट का, एक बड़ी राहत कही जा सकती है सचिन पायलट गुट के लिए, जो एक तलवार लटकी हुई थी कि सदस्यता जा सकती है, अयोग्य हो सकते हैं। ऐसे में कोर्ट ने उनकी तरफ से जो 19 विधायकों की याचिका थी उसको मेंटेनेबल माना है, इसे लेकर मेंटेनेबल माना है। देखिए वकील आ गए, बातचीत कराते हैं। जो स्पीकर ने 14 जुलाई को ऑर्डर दिया है उसमें यथास्थिति बरकरार रखे, और याचिकाकर्ता की जो प्रेयर है ए बी और ई सिर्फ उस पे सुनवाई होगी, प्रेयर नंबर सी और डी कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती, इसलिए कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगी। पार्टीज को डायरेक्शन दिए हैं कि आप अपनी प्लीडिंग कंप्लीट कर लो, और जब भी प्लीडिंग कंप्लीट होती है तब फाइनल सुनवाई होगी अर्ली लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव करने के बाद। प्रेयर फोर रिजेक्ट नहीं करी गई है, प्रेयर फोर और प्रेयर थ्री और प्रेयर फोर उस पे कहा गया है कि हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इसलिए इसको हम नहीं सुनेंगे। प्रेयर ए, प्रेयर बी और प्रेयर ई इसी पे सुनवाई होगी, और जो स्पीकर महोदय द्वारा 14 जुलाई को अपने ऑर्डर दिया गया है, समन किया गया था, उसको कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। रीडिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद पार्टीज फ्री हैं एप्लीकेशन मूव करने के लिए इस मैटर की सुनवाई को। प्रेयर फोर में नहीं है सर, वो प्रेयर ई के अंदर है। प्रेयर तीन और चार कहती है कि इनको एमएलए बने रहने देना चाहिए, तो कोर्ट ने कहा हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये स्पीकर तय करे। हमारे क्षेत्राधिकार में जो है वो प्रश्न पूछा गया है कि स्पीकर द्वारा क्या ये नोटिस दिए जा सकते हैं नहीं, और मुख्य रूप से क्या शेड्यूल 10 का 2(1)(a) अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, मुख्य रूप से इन पे आगे फैसला होगा। उस पे जब यथास्थिति बरकरार करने के निर्देश दिए तो कार्रवाई नहीं होगी। अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष मसला रहेगा कि परसों कोर्ट उस इस पर्टिकुलर ऑर्डर को कैसे दिखती है। देखिए स्टेटस को का जब ऑर्डर है तो संभवतः अभी तक कोर्ट के समक्ष ये मसला था कि हम खुद समय के लिए कह रहे थे, अब एक स्टेटस को ऑर्डर है क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, तो उच्चतम न्यायालय जो फैसला लेता है वो मान्य होगा। कोई तारीख नहीं दी है, कोर्ट ने कहा प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाए जब एक अर्जी लगा दी जाएगा अर्ली लिस्टिंग की, और तब हम तारीख देके सुनवाई करेंगे। यस, सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा मोटे रूप से। आज मुख्य रूप से कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार करने का निर्देश दिया है,
कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था 14 जुलाई को उसको यथास्थिति बरकरार रखें और प्रेयर ए बी और ई पे ही सुनवाई होगी, जो सी और डी है वो न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में नहीं आती है इसलिए उस प्रेयर पे सुनवाई नहीं होगी। पायलट गुट के लिए बड़ी राहत मानी जाए संभवतः, क्योंकि स्टेटस को ऑर्डर हुआ है उनके खिलाफ अभी कार्रवाई आगे नहीं होगी और उच्चतम न्यायालय के समक्ष मसला है इसलिए आप कह सकते हैं कुछ हद तक कुछ समय के लिए वो राहत माना जाए कि जब तक उच्चतम जो कोर्ट ने कहा है वो माना जाए, मुझसे आप राय ना लें कि क्या माना नहीं, तो उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ही फैसला होगा। यस, उच्चतम न्यायालय के अधीन है और वो कोर्ट ने कल भी उच्चतम न्यायालय ने कह दिया था कि हाईकोर्ट जो भी फैसला करेगी वो उच्चतम न्यायालय के अधीन रहेगा और इसी के तहत अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष सोमवार को जब आर्ग्यूमेंट होंगे तब इस ऑर्डर को भी प्लेस कर दिया जाएगा और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि वो आगे क्या ऑर्डर करते हैं। एप्लीकेशन 4 रिजेक्ट हुआ है वो क्या है? प्रेयर नंबर जो सी और डी है उन्होंने कहा है कि हमको एमएलए बने रहने दिया जाए तो कोर्ट ने कहा ये हमारा परव्यू में नहीं आता, ये तो एंटी डिफेक्शन पे जब स्पीकर कार्रवाई करेंगे कि क्या उनको डिस्क्वालीफाई करना नहीं करना, ये प्रेयर स्पीकर के पास रहेगी। अभी स्टेटस को ऑर्डर है तो उसके तहत कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है और मामला विचाराधीन है उच्चतम न्यायालय में, तो एक बार उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्देश आता है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। देखिए नोटिस दिया गया है, अभी दोनों पक्षकारों को अपना जवाब देना है लेकिन कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार करने को कहा है तो जो स्थिति आज है अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया तो नहीं होगा, दे दिया तो उसी स्टेज पे रहेगा। तो आज की स्थिति में स्पीकर के द्वारा सिर्फ नोटिस दिया गया है उसके उपरांत कोई कार्रवाई नहीं करी गई तो वही स्थिति बरकरार रहेगी। विधानसभा कब बुलाई जा सकती है? विधानसभा बुलाने का प्रश्न इससे बिल्कुल अलग है, इसका आपस में कोई लेन देन नहीं है। केन को पक्षकार बना दिया है, उनको कहा है कि आप अपना जवाब पेश कर दें और जब प्लीडिंग यानी कि जवाब पेश कर दें और पूरी प्लीडिंग कंप्लीट हो जाए तो पक्षकार कोई भी अर्जी लगा देगा कि इसकी सुनवाई करी जाए, उसके बाद ही उच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा। कोई तारीख नहीं दी गई है।